आज का राशिफल द 19th of May 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 19 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की उदय तिथि एकादशी और रविवार का दिन है। यह एकादशी मोहिनी एकादशी है। एकादशी तिथि आज रविवार दोपहर 1:53 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगा। इस तिथि पर हस्त नक्षत्र और वज्र योग का संयोग रहेगा। आज रविवार देर रात 3:17 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। साथ ही 19 मई को दोपहर पहले 11:25 तक वज्र योग रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:11 से 5:46 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:47 में और सूर्यास्त शाम 6:25 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज रात 8:31 से 10:19 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:56 से 12:49 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल शाम 5:19 से शाम 6:58 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य वृषभ राशि में मौजूद है, साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर कुछ विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं: स्थिरता और सामर्थ्य। वृषभ राशि धन, धरोहर और संग्रह का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर व्यक्ति को स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और उसकी संघर्षशीलता को कम कर सकता है। आर्थिक समृद्धि। वृषभ राशि धन और संपत्ति का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। ये व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, निवेश और व्यापार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य और कायिक शक्ति। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को स्वास्थ्य और कायिक शक्ति में सुधार हो सकता है। वह अधिक प्राकृतिक ऊर्जा, स्थिरता और दृढ़ता का अनुभव कर सकता है। विचारशीलता और ध्यान। ये गोचर व्यक्ति को अधिक विचारशील और ध्यानवान बना सकता है। वह अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर संरेखित करके अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आज रविवार है। रविवार का महत्व क्या है? सनातन धर्म में रविवार को सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य देव की पूजा से संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। सूर्य को सूर्योदय के समय पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि इस समय पर सूर्य की उपस्थिति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पूजा में सूर्य देव को जल, फूल, चावल, बीज, दूध और गुड़ के प्रसाद सहित समर्पित किया जाता है। सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जो जीवन के उज्ज्वलता और ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास और संतुलन की अनुभूति होती है, जो उसके जीवन को समृद्ध बनाती है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में है तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सूर्य के शुभ स्थान पर होने से व्यक्ति को उच्च पद और सम्मान प्राप्त होता है, जो उसके जीवन को समृद्ध बनाता है। रविवार को हमें क्या खाना चाहिए? रविवार के दिन चीनी या गुड़ की बनी हुई रोटी खाना बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन गुड़ की बनी रोटी खाने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। रविवार व्रत कैसे करें, जानिए पूजन विधि। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान सम्मान, धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। 1. सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग की ड्रेस पहने। उसके बाद प्रथम पूज्य देवता गणपति बप्पा का ध्यान करें, ओम गम गणपते नमः जाप करते हुए।
बाद में तांबे या पीतल के लोटे में जल लेकर लाल रोली, लाल फूल, लाल गुड़हल और लाल गुलाब, काला तिल, अक्षत, चावल मिलाकर ओम ग्रिनी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। 2. ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें और लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। 3. अर्घ्य देते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में दिखाई देगा। 4. सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। साथ में एक दीपक जलाकर सूर्य देवता के का ध्यान करें। सूर्य देव की आरती करते हुए 7 प्रदक्षिणा करें व हाथ जोड़कर प्रणाम करें। 5. सुबह सवेरे उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने और दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए प्रातःकाल उठकर सूर्य देव को नमन करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 19 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है, साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा। आपकी मेहनत और योजना का परिणाम अब मिलने लगेगा। व्यापार से जुड़े विषयों पर आपका पूरा ध्यान रहेगा और आप नई योजनाओं को कार्यान्वित करने पर विचार करेंगे। अगर आप किसी साझेदारी या नए प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं तो ये समय अनुकूल है। आपके व्यापारिक निर्णय आज आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा या बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं तो अपनी बात स्पष्ट और आत्मविश्वास से रखें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बातों को सही तरीके से प्रस्तुत करें ताकि अन्य लोग आपके विचारों और प्रस्तावों को समझ सकें। अगर आप चुप रहते हैं या अपनी राय व्यक्त नहीं करते तो लोग इसे आपका स्वार्थ या उदासीनता समझ सकते हैं। इसलिए अपनी बात खुलकर और तार्किक रूप से रखें। यदि कोई कानूनी मामला लंबे समय से चल रहा है तो आज आपको उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। अगर आवश्यक हो तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। आज का दिन इस मामले में आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की गलती से बचें। आपकी कोई पुरानी गलती या घटना आज जीवन साथी के सामने आ सकती है, जिसके कारण आप दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है। ये स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है। ऐसे समय में आपको संयम और समझदारी से काम लेना होगा। अपने साथी की बातों को सुने और बिना आक्रामक हुए उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करें। किसी भी गलतफहमी को सुलझाने के लिए संवाद ही सबसे अच्छा तरीका है। निष्कर्ष, आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है। व्यापार में सफलता और लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लेते समय आत्मविश्वास बनाए रखें और कानूनी मामलों में सतर्कता बरतें। अपने जीवन साथी के साथ उत्पन्न होने वाले विवादों को संयम और संवाद के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करें। आपका दिन तभी संतुलित और सुखद रहेगा। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मेष राशि का उपाय है कि आप भगवान गणेश को सिर पर 21 दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा चढ़ाने से पहले दुर्वा को स्पर्श करके आपकी मनोकामना बोलकर गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें, जिसे 21 मिनट तक जारी रखें। गणेश गायत्री मंत्र गणेश भगवान को समर्पित एक प्रमुख मंत्र है, जो उनकी पूजा और आराधना में उपयोग किया जाता है। यह मंत्र उनकी कृपा को प्राप्त करने और आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। गणेश गायत्री मंत्र है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गजानाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा, स्थिरता और सफलता की प्राप्ति होती है। यह मंत्र गणेश भगवान की कृपा को प्राप्त करने का अचूक तरीका है। उसके बाद 21 छोटी इलायची गणेश जी को चढ़ाएं। अंत में गणेश चालीसा का पाठ करें। दुर्वा चढ़ाने का प्राचीन परंपरागत महत्व है, जो गणेश भगवान को आराधना करते समय किया जाता है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आ सकती है। छोटी इलायची हिंदू धर्म में भगवान गणेश का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही इलायची को आध्यात्मिक दृष्टि से मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है।
इसे पूजनीय मानकर लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा का प्राप्ति करते हैं। यह एक प्रसिद्ध परंपरागत प्रथा है जो हिंदू उपासकों द्वारा अनुसरित की जाती है और आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है। यह उपाय आपको अधिक संयमित, उत्साही और सकारात्मक बना सकता है, जो आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल सकता है। इसके साथ ही आपको सामर्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको 3 दिन तक जारी रखना होगा। भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा आपको, आप सौभाग्यशाली होंगे। आपको अपने जीवन में अधिक सफलता और अधिक धन प्राप्त होगा। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी और सकारात्मक रहेगा। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और संतोषजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। आज आपको परंपरागत कार्यों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। ये कार्य आपके परिवार और समाज में सम्मान बढ़ाने वाले होंगे। अगर आप किसी सांस्कृतिक या पारंपरिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं तो यह आपके लिए गर्व और आत्मसंतोष का कारण बनेगा। इसके अलावा यदि आपने कोई मूल्यवान वस्तु खो दी थी तो आज वह आपको वापस मिल सकती है। इस घटना से आपका मनोबल बढ़ेगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। आज के दिन अपने कार्यों में सावधानी और विचारशीलता बरतें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें। सोच समझकर किए गए निर्णय आपको लंबे समय तक लाभ देंगे। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले उसकी पूरी जानकारी और जोखिमों का मूल्यांकन कर लें। आपको किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। यह आयोजन आपके लिए मानसिक शांति और आस्था का स्रोत बनेगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस आयोजन में सम्मिलित होने से आपको आत्मिक संतोष और खुशी मिलेगी। धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से आपके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होगा। यदि कोई महत्वपूर्ण काम लंबे समय से रुका हुआ था तो आज उसके पूरे होने की संभावना है। आपके प्रयासों और धैर्य का फल मिलेगा और आपकी कठिनाइयां दूर होंगी। ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने और नई शुरुआत करने का है। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करें और देखेंगे कि आपके रुके हुए कार्य धीरे धीरे संपन्न हो रहे हैं। निष्कर्ष, आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए खुशियों और उपलब्धियों से भरा रहेगा। पारंपरिक कार्यों में भागीदारी, खोई हुई वस्तु की प्राप्ति, सोच समझकर आगे बढ़ना, धार्मिक आयोजनों में सहभागिता और रुके हुए कामों का निपटारा, ये सभी बातें आपके दिन को सफल और संतोषजनक बनाएंगी। अपनी सकारात्मकता और उत्साह बनाए रखें और दिन का पूरा आनंद लें। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग समुद्री हरा। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का यह उपाय भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिल सकती है और व्यक्ति को स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। उपाय को पूरा कैसे करें? सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर एक बेलपत्र, 7 काले तिल और 1 पंचमुखी रुद्राक्ष अर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना बोलें और 9 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। रुद्राक्ष धारण करें। अंत में भगवान शिव से अनुमति लेकर उसी 5 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में डालकर गले में पहने। ये रुद्राक्ष शनि के दोषों को शांति और सुख के लिए प्राप्त करने में सहायक होता है। अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का 11 नामों का जाप करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंद, भव। इस उपाय को श्रद्धा के रूप से करके वृषभ राशि के व्यक्ति को शनि के दोषों से मुक्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको इस सोमवार तक जारी रखना होगा। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा आपको, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम लेकर आएगा। आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और संतोष का अनुभव करेंगे। आपकी मेहनत और लगन आपको कार्यक्षेत्र में एक अच्छा मुकाम दिलाने में सक्षम होगी। ये समय आपके लिए नई ऊंचाइयों को छूने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने का है। आपकी मेहनत और लगन आज आपके कार्यक्षेत्र में रंग लाएगी। आपके प्रयासों और समर्पण को आपके वरिष्ठ और सहकर्मी सराहेंगे। आपको अपने काम में प्रशंसा और मान्यता मिलेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। ये समय अपने करियर को नई दिशा देने और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने का है।
यदि आप अपने बिजनेस में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज आपको अपने माता पिता से बातचीत करनी होगी। उनके अनुभव और सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। उनकी राय और समर्थन से आप अपने बिजनेस में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अपने विचारों और योजनाओं को स्पष्ट रूप से उनके सामने रखें और उनकी सलाह को गंभीरता से लें। आज के दिन लेन देन से संबंधित मामलों में आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। किसी पर अधिक भरोसा न करें, क्योंकि धोखाधड़ी की संभावना है। अपने वित्तीय मामलों को स्वयं संभालें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अति विश्वास से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने से पहले सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच कर लें। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ समाचार ला सकता है। आपको किसी प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे आपके शैक्षिकी और करियर के सपनों को नई दिशा मिलेगी। ये समय आपके लिए अपने भविष्य की योजनाओं को साकार करने का है। आवश्यक दस्तावेज और तैयारियों को पूरा करें और अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। निष्कर्ष, आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए सफलताओं और अवसरों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत और लगन से सफलता मिलेगी। बिजनेस में बदलाव के लिए माता पिता का सहयोग मिलेगा। लेन देन में सतर्कता बरतनी होगी और विदेश में पढ़ाई के अवसर मिल सकते हैं। अपने दिन का पूरा लाभ उठाएं और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक उपाय है जो सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यहाँ उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी है। 1. सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद एक कलश में पानी लें और उसमें काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाएं। फिर इस पानी को सूर्य की दिशा में उत्तर की ओर अर्घ्य दें। 2. सूर्य मंत्र का जाप। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्य मंत्र ओम ह्रा ह्री रौनसा सूर्याय नमः। यह मंत्र भगवान सूर्य की स्तुति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शक्ति, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य का ध्यान और उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति को अंतर्दृष्टि, उत्तेजना और स्वयं के विकास में मदद मिलती है। यह मंत्र सूर्य देव की पूजा में उपयोग किया जाता है और उनके कृपालु आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है। उसके बाद आप भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही कुंडली या आपकी राशि में सूर्य की स्थिति बलवान होती है। भगवान सूर्य के 12 नाम 1. ओम सूर्याय नमः। 2. ओम भास्कराय नमः। 3. ओम रवये नमः। 4. ओम मित्राय नमः। 5. ओम भानवे नमः। 6. ओम खगय नमः। 7. ओम पुष्णे नमः। 8. ओम मारिचाय नमः। 9. ओम आदित्याय नमः। 10. ओम सावित्रे नमः। 11. ओम आर्काय नमः। 12. ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह उपाय सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संकेत हो सकता है। सूर्य देव की पूजा से आपके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता की वृद्धि हो सकती है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको इस रविवार तक जारी रखना होगा। आप सौभाग्यशाली होंगे। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपको कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये दिन आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेगा, इसलिए आपको संतुलित और सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत और समर्पण को मान्यता मिलेगी और आप अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। आपकी कार्यकुशलता और निपुणता से आपको सराहना मिलेगी। ये समय आपके करियर में महत्वपूर्ण बदलाव और उन्नति का हो सकता है। आपको देश विदेश से जुड़े काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। यह अवसर आपके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने और नई आय के स्रोत उत्पन्न करने में सहायक होगा। आपको अपने कार्यों में पूरी निपुणता और सतर्कता से काम करना होगा, ताकि आप इन अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। काम के साथ साथ बचत योजनाओं पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचत में लगाएं। अपनी वित्तीय योजनाओं को व्यवस्थित करें और दीर्घकालिक निवेश के विकल्पों पर विचार करें। ये सुनिश्चित करें कि आपके बचत और निवेश आपके लक्ष्यों के अनुरूप हो। यदि आपके भाई के विवाह में कुछ बाधाएं आ रही थी, तो आज आपके किसी मित्र की मदद से वे दूर हो सकती है।
ये सहयोग आपके परिवार के लिए सुखद और संतोषजनक होगा। मित्र की सलाह और समर्थन से विवाह से संबंधित समस्याओं का समाधान मिल सकता है और आप अपने भाई के विवाह को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे थे तो आज उन्हें इसमें सफलता मिल सकती है। आपकी परीक्षा पूरी होगी और आप इस अतिरिक्त काम को करने के लिए तैयार होंगे। यह अतिरिक्त आय का स्रोत आपके वित्तीय स्थिरता को और भी मजबूत करेगा और आपको नए अनुभव और कौशल प्रदान करेगा। निष्कर्ष, आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम देगा। कार्यक्षेत्र में सफलता और आर्थिक मजबूती के साथ साथ बचत योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भाई के विवाह में आने वाली बाधाएं मित्र की मदद से दूर होंगी और पार्ट टाइम कार्य में सफलता मिलेगी। संतुलित और सावधान रहते हुए अपने दिन का पूरा लाभ उठाएं। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है मां अन्नपूर्णा की उपासना करना। इस उपाय के अनुसार आपको एक पीतल के बर्तन में गाय का दूध रखना है और उसमें चावल और शक्कर मिलाकर खीर बनानी है। इस खीर को मां अन्नपूर्णा को भोग के रूप में अर्पित करें और फिर घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में दें। इसके बाद उसी पीतल बर्तन में गेहूं या चावल भरकर रखें और उसे खाली न करें। इस उपाय के माध्यम से आपके घर में पूरे साल अन्न की कमी नहीं होगी और परिवार में सुख और शांति होगी। यह उपाय अन्न की आपूर्ति को स्थिर रखने में मदद करता है और घर के सदस्यों को प्राकृतिक रूप से पौष्टिक आहार प्रदान करता है। गाय का दूध और गेहूं या चावल घर में अन्न की महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं जो समृद्धि और स्थिरता की प्रतीक होते हैं। माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाकर हम उनसे आनंद और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जो हमें संतुष्टि और आत्मा की शांति प्रदान करता है। इस उपाय के अनुसार आपके घर में हमेशा अन्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी जो आपके परिवार की स्वास्थ्य और संतोष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आप अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई नए अवसरों का लाभ उठाएंगे। नई वस्त्र, गहने या अन्य सामग्रियों की प्राप्ति संभव है। घर और व्यक्तिगत आराम के लिए नए उपकरण या सुविधाएं खरीदने की संभावना है। ये समय आपके जीवन में संतोष और आनंद को बढ़ाने का होगा। लेन देन के मामलों में आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी भी वित्तीय लेन देन से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें और दस्तावेजों को अच्छी तरह से पढ़ें। अगर संभव हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या जल्दबाजी से बचें क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। कामकाज में आपको उम्मीद से ज्यादा धन मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके प्रयासों का फल मिलेगा और आपकी मेहनत का आपको समुचित पुरस्कार प्राप्त होगा। यह अतिरिक्त धन आपके वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगा और आपको भविष्य के लिए भी अधिक आत्मविश्वास देगा। इन लाभ के अवसरों को हाथ से जाने न दें क्योंकि यह आपकी आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज आपको अपने किसी परिजन की सेहत को लेकर अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। उनके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के कारण आप चिंतित और परेशान रह सकते हैं। ये समय आपके धैर्य और समर्थन की परीक्षा लेगा। अपने प्रियजन की देखभाल और चिकित्सा सहायता के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आपकी देखभाल और सहयोग से उनकी सेहत में सुधार संभव होगा। यदि बिजनेस में कुछ समस्याएं आपको लंबे समय से घिरे हुए थी तो उनमें अभी आपको कुछ समय और रुकना होगा। समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं मिलेगा और आपको धैर्य पूर्वक इंतजार करना होगा। इस समय अपनी योजनाओं और रणनीतियों को पुनः जांचें और आवश्यकता अनुसार सुधार करें। ये समय आपके बिजनेस में धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। निष्कर्ष, आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि, लेन देन में सावधानी, कामकाज में धन की प्राप्ति, परिजन की सेहत को लेकर भागदौड़ और बिजनेस में धैर्य की आवश्यकता लेकर आएगा। अपने दिन को सफल और संतुलित बनाने के लिए इन सभी पहलुओं पर ध्यान दें और सावधानी पूर्वक कदम उठाएं। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग कॉफी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन सिंह राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु की पूजा से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। पीले रंग का वस्त्र प्राचीन काल से सौभाग्य और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके लिए प्राचीन पूजा पद्धति के अनुसार भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। उन्हें खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है।
आप पूजा वाले आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मंत्रों का जाप 1008 बार करें। मंत्रों का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होगी। यह आपको स्थिरता और समानता की भावना प्रदान करेगा। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको इस मंगलवार तक जारी रखना होगा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। रुकावट हुआ सभी कामों में सफलता मिलेगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए सूझबूझ और समझदारी से आगे बढ़ने का होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें और सभी संभावनाओं पर विचार करें। जल्दबाजी या आवेग में कोई निर्णय न लें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। सोच समझकर कदम उठाने से आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। अगर आपके पास पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला है तो आज आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने की आवश्यकता होगी। पैतृक संपत्ति के मामले अक्सर जटिल होते हैं और कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं। किसी विशेषज्ञ की सलाह से आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की गलतफहमी या विवाद से बच सकते हैं। उनकी मार्गदर्शन से आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी योग्यता और कौशल के अनुसार काम मिलेगा, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी मेहनत और दक्षता की सराहना होगी और आप अपने काम में सफल होंगे। ये समय आपके करियर में महत्वपूर्ण प्रगति का हो सकता है। अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और टीम वर्क को प्राथमिकता दें। आपकी नेतृत्व क्षमता और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे। टीम के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने से न केवल कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक रहेगा, बल्कि परियोजनाओं की सफलता की संभावना भी बढ़ेगी। अपनी योजनाओं और विचारों को साझा करें और टीम की मदद से उन्हें क्रियान्वित करें। आपके इस प्रयास से सभी का मनोबल ऊंचा रहेगा और टीम का प्रदर्शन बेहतर होगा। आपको किसी जरूरी काम को लेकर छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। ये यात्रा आपके पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती है। यात्रा के दौरान नए लोगों से मुलाकात और नए अवसर मिलने की संभावना है। यात्रा की योजना बनाते समय सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का ध्यान रखें और सफर को सुखद और सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी करें। निष्कर्ष, आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए सूझबूझ, समझदारी और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का है। पैतृक संपत्ति के मामलों में विशेषज्ञ सलाह लें, कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता के अनुसार काम करें, सबको साथ लेकर चलें और किसी जरूरी काम के लिए छोटी दूरी की यात्रा करें। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर आप अपने दिन को सफल और संतोषजनक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग पीला। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज कन्या राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ कन्या राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें। शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। यह उपाय आपको आने वाले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आप श्रद्धा के साथ ये उपाय करें, आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगा। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और मनोबल ऊंचा रहेगा। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए खुशी और उत्साह का स्रोत बनेगा। दोस्तों और परिवार के साथ बिताए गए ये पल आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करेंगे। आपके जीवन में कुछ मजेदार और रोमांचक क्षण जोड़ने का यह एक अच्छा अवसर होगा। आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप जिन कार्यों में हाथ डालेंगे उनमें सफलता प्राप्त होगी। भाग्य के इस साथ से आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे और नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, इसलिए अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ें।
आपको अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। इससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सभी का साथ और समर्थन आपके काम को सरल और प्रभावी बनाएगा। अपने प्रियजनों की सलाह और मार्गदर्शन को महत्व दे और उनके साथ मिलकर काम करें। हालांकि आपको दिन में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जो आपको परेशान करेगी। ये संभव है कि इन बातों से आपका मन विचलित हो जाए, लेकिन फिर भी आप अपने साथियों से कुछ नहीं कह पाएंगे। इस स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखें। समय के साथ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। आपको अपने मन में ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। ईर्ष्या के कारण नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सकारात्मक सोच रखें और दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें। ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी न होने दें और स्वयं के विकास पर ध्यान केंद्रित करें। निजी मामलों में आपको सहजता से आगे बढ़ना होगा। ये समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का है। अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखें। किसी भी निर्णय को लेते समय धैर्य और समझदारी से काम लें। आपके रिश्ते और व्यक्तिगत संबंधों में सुधार आएगा। निष्कर्ष, आज का दिन तुला राशि वालों के लिए लाभदायक और सकारात्मक रहेगा। मनोरंजन के कार्यक्रम में भाग लेकर, भाग्य का साथ पाकर, सभी का सहयोग प्राप्त करके और ईर्ष्या से बचते हुए अपने दिन को खुशहाल बनाएं। निजी मामलों में सहजता और धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग आसमान नीला। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ, शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन, शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण। शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता। शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अशुभ गतिविधियों से बचाव। शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती। शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। एक शांत जगह पर बैठें और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगें। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस उपाय का आज आखिरी दिन है। आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। मुझे आशा है कि अपने जीवन में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ला सकता है। आप अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे। पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं या नई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। नियमित व्यायाम, सही आहार और डॉक्टर की सलाह का पालन करने से आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। आपको आज किसी भी प्रकार की कहासुनी और विवाद में पड़ने से बचना होगा। दूसरों की बातों में आकर कोई निर्णय न ले, क्योंकि इससे आपके रिश्तों में खटास आ सकती है और अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है। दूसरों की बातों को समझें, लेकिन कोई प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करें और शांति बनाए रखें। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आवश्यक कामों में ढील न दें। कामों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। समय की पाबंदी और काम के प्रति जिम्मेदारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें और योजनाबद्ध तरीके से काम करें। यदि आपके पिताजी को किसी आंखों से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा था, तो आज उसमें सुधार आने की संभावना है। ये सुधार आपके लिए खुशी का कारण बनेगा।
उनकी सेहत में सुधार देखकर आपका मन प्रसन्न होगा और परिवार में सकारात्मक माहौल बनेगा। आज आपके घर किसी जरूरी काम को लेकर किसी परिजन का आगमन हो सकता है। यह मुलाकात आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। अपने मेहमान का स्वागत करें और उनके साथ समय बिताएं। इस अवसर का उपयोग आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाने में करें। आपको मित्रों से बातचीत करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी भी बात को लेकर अनावश्यक विवाद या कहासुनी से बचें। मित्रों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें और समझदारी से बातचीत करें। किसी भी प्रकार की गलतफहमी को सुलझाने के लिए खुले मन से संवाद करें। निष्कर्ष, आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान रहेंगे, लेकिन पिताजी की आंखों की समस्या में सुधार से खुशी मिलेगी। आवश्यक कामों में ढील न दें, कहासुनी से बचें और मित्रों से सावधानी पूर्वक बातचीत करें। परिवार के साथ समय बिताएं और महत्वपूर्ण निर्णयों में सोच समझकर आगे बढ़ें। आज के लिए शुभ अंक 18। आज के लिए शुभ रंग भूरा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य नमस्कार और सूर्य गायत्री मंत्र। आज का दिन सूर्य देव की आराधना का दिन है। सूर्य नमस्कार और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सूर्य नमस्कार करने के लाभ। दिन की शुरुआत। सूर्य नमस्कार करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है, मन प्रसन्न रहता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ऊर्जा में वृद्धि। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है, थकान दूर होती है और मन में उत्साह आता है। स्वास्थ्य लाभ। सूर्य नमस्कार करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने के लाभ। सूर्य ग्रह के शुभ प्रभाव। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर शुभ प्रभाव डालते हैं। सकारात्मकता। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सूर्य चिन्ह लगाने के लाभ। घर में सूर्य की शक्ति। सूर्य चिन्ह सूर्य देव का प्रतीक है। घर की दीवार पर सूर्य चिन्ह लगाने से घर में सूर्य की शक्ति का संचार होता है। स्थिरता। सूर्य चिन्ह लगाने से जीवन में स्थिरता आती है, मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। समृद्धि। सूर्य चिन्ह लगाने से जीवन में समृद्धि आती है, धन दौलत की वृद्धि होती है और सुख शांति का वातावरण रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस उपाय का आज आखिरी दिन है। आपकी सभी मनोकामना भगवान सूर्य को बोले और भगवान सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करें। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए सुख और समृद्धि में वृद्धि लेकर आएगा। आपके जीवन में खुशियों का माहौल बनेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी मेहनत और प्रयासों का फल मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने भविष्य की योजनाओं को साकार करने का प्रयास करें। आज आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों के सामने उजागर न करें। गोपनीयता बनाए रखना आपके हित में रहेगा। कुछ बातें आपके और आपके परिवार के बीच ही सीमित रखें ताकि अनावश्यक विवाद और गलतफहमियों से बचा जा सके। ये समय अपनी निजी जिंदगी में संतुलन और समझदारी बनाए रखने का है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन विशेष लाभदायक रहेगा। आपको अपने व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे व्यापार में उछाल देखने को मिलेगा। इस सफलता से आपकी तरक्की होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए अवसरों का लाभ उठाएं और अपने व्यापार को और विस्तार देने के लिए योजनाएं बनाएं। आज आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। यह इच्छा पूरी होने से आपको मानसिक और भावनात्मक संतोष मिलेगा। अपने सपनों को साकार करने का ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही दिशा में मेहनत करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। आपकी मन की इच्छा पूरी होने से आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए आत्मिक शांति और संतोष का स्रोत बनेगी। धार्मिक स्थल की यात्रा से आपको मानसिक शांति और नई ऊर्जा मिलेगी। अपने परिवार के साथ इस यात्रा का आनंद लें और ईश्वर का धन्यवाद करें। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा में भाग लिया था तो आज उनके परिणाम आ सकते हैं। परिणाम अनुकूल आने की संभावना है, जिससे उनके भविष्य की योजनाओं में स्पष्टता आएगी।
इस सफलता से विद्यार्थियों का मनोबल ऊंचा रहेगा और वे अपने आगामी लक्ष्यों की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ सकेंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और आगे की तैयारी में जुट जाएं। निष्कर्ष, आज का दिन धनु राशि वालों के लिए सुख समृद्धि और सफलता का दिन होगा। व्यापार में लाभ, मन की इच्छाओं की पूर्ति, धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम और विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम, ये सभी पहलू आपके दिन को सकारात्मक और उत्साहवर्धक बनाएंगे। अपनी व्यक्तिगत बातें गोपनीय रखें और सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। यह उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। ग्रहोदोष से मुक्ति मिलेगी, रुकावट हुआ सारे काम पूरे होंगे, आपका जीवन चमकेगा। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए मेहनत और परिश्रम का दिन होगा। आपको अपने सभी कार्यों में अधिक मेहनत और समर्पण दिखाने की जरूरत है। अपनी मेहनत को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और उसके अनुसार काम करें। आपके परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। आज के दिन आपको कामकाज में किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी नई जानकारी या प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लें। अजनबी पर भरोसा करने से आपका कोई महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो सकता है या आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। सावधानी और सतर्कता के साथ काम करें। आपके महत्वपूर्ण प्रयास आज के दिन बेहतर रहेंगे। अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करें। आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अपनी योग्यता और कौशल का पूरा उपयोग करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। विरोधी आपके कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान न दें। अपनी दिशा में संकल्पित रहें और अपने काम पर फोकस करें। उनकी नकारात्मकता से दूर रहकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। आज घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये जानकारी आपके काम या व्यक्तिगत जीवन में सहायक हो सकती है। अपनी आंखें और कान खुले रखें और अवसरों को पहचानने की कोशिश करें। सही जानकारी आपके निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। संतान पक्ष की ओर से आज आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ये खुशखबरी आपके परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल बनाएगी। संतान की सफलता या उनकी किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि से आपका मन प्रसन्न होगा। उनकी सफलता में भागीदार बने और उन्हें प्रोत्साहित करें। परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो वह आज दूर हो सकती है। ये समाचार आपके परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगा। विवाह की बाधाओं के दूर होने से परिवार में उत्सव और आनंद का माहौल बनेगा। इस अवसर का आनंद लें और परिवार के साथ समय बिताएं। निष्कर्ष, आज का दिन मकर राशि वालों के लिए मेहनत, सतर्कता और खुशियों का दिन है। अपनी मेहनत में कोई कसर न छोड़ें और अजनबी पर भरोसा न करें। महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उसे सही तरीके से उपयोग में लाएं। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी और परिवार में विवाह की बाधा दूर होगी। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने दिन को सफल और आनंदमय बनाएं। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग फिरोजा। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान गणेश को प्रथम हल्दी जल से स्नान करवाना, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहे। इस उपाय को करने के लिए विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करें। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें प्रथम हल्दी जल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और अपने मन के साथ भगवान गणेश को मीठा अर्पित करें। फिर पीले रंग का फल केला भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें, ओम गम गणपते नमः।
इस मंत्र का जाप करते समय भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें अपने मन की कल्पनाओं का साकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए ताकि आपका जीवन सुखमय और चमकदार बने। पूजा में गणेश जी के 12 नाम मंत्रों का जप भी करेंगे तो पूजा जल्दी सफल हो सकती है। गणेश जी के नाम मंत्र ओ सुमुखाय नमः, ओ एकदंताय नमः, ओ कपिलाय नमः, ओ गजकर्णाय नमः, ओ लंबोदराय नमः, ओ विकटाय नमः, ओ विघ्ननाशाय नमः, ओ विनायकाय नमः, ओ धूम्रकेतुये नमः, ओ गणाध्यक्षाय नमः, ओ भालचंद्राय नमः, ओ गजाननाय नमः। इसके अलावा यह उपाय आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह उपाय आपको 3 दिन तक जारी रखना होगा। भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस होरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और संजीवनी समान होगा। आपको अपनी क्षमताओं और प्रतिबद्धता पर पूरा भरोसा होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। आपको आज अपने मित्रों का साथ और समर्थन मिलेगा। आपके मित्र आपके साथ हैं और आपको उनका सहयोग और प्रेरणा मिलेगी। इस समर्थन से आपका मन प्रसन्न और प्रेरित होगा, जो आपको अपने कार्यों में और भी प्रगति करने में मदद करेगा। आपको आज आधुनिक कार्यों में सहजता से प्रगति मिलेगी। अपने कार्यों में नई और अद्वितीय दृष्टिकोण और उपायों को अपनाकर आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आपका उत्साह और विश्वास आपको अच्छे नतीजों तक पहुंचाएगा। आपको आज महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके काम और व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस जानकारी को सही तरीके से उपयोग करके आप अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। आज आपको किसी परिजन से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है, जिसमें आप पुराने कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। इस बातचीत के माध्यम से आप अपने पुराने कामों को लेकर नए और उत्तेजित हो सकते हैं, जो आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करेगा। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास, सहयोग और प्रगति का दिन होगा। इन सभी तत्वों का सही तरीके से उपयोग करके आप अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होंगे और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग चॉकलेट। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है, पानी में छोटी इलायची डालकर स्नान करें। छोटी इलायची का स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और मानसिक तनाव कम होता है। उसके बाद माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करने से धन समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसके बाद घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और एक घी का दीपक अवश्य जलाएं आपकी मनोकामना बोलकर। घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और खुशहाली आती है। दीपक जलाने से घर में रोशनी आती है और नकारात्मकता दूर होती है। मनोकामना बोलकर दीपक जलाने से आपकी मनोभावनाओं को साकार किया जा सकता है और आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अंत में आज माता लक्ष्मी के 12 नाम का जाप अवश्य करें। लक्ष्मी जी के 12 नामों का उच्चारण करने और मंत्र का जाप करने से देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तजनों को आशीर्वाद देती हैं। आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी के वो 12 नाम और जादुई मंत्र कौन कौन से हैं। ईश्वरी कमला लक्ष्मी चला भूति हरिप्रिया पद्मा पद्माल्या संपद रमा श्री पद्मधारिणी। लक्ष्मी द्वादशनाम स्तोत्रम में माता लक्ष्मी को 12 नामों से संबोधित किया गया है। इन 12 नामों का जाप करने से भक्त को स्थिर लक्ष्मी यानी धन संतान सुख मिल सकता है और दरिद्रता दूर होती है। यह उपाय कुंभ राशि के जातकों को शांति समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। आपको इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करना चाहिए ताकि आपकी मनोकामनाएं सफल हो और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहे। यह उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आपकी कुंडली में नवोग्रह शक्तिशाली होगा। आपके जीवन से सभी नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी। आप जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। रुकावट हुआ सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आप अपने जीवन में अधिक धन प्राप्त करेंगे। मीन राशिफल टुडेज पाइसीज होरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए चुनौतियों भरा हो सकता है, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच और सामर्थ्य के साथ आप उन समस्याओं को हल करने में सफल रहेंगे। यदि आप चाहें तो इन परेशानियों को अवसाद में बदलने के बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, जो आपको बढ़ने का साहस देगा। किसी काम को कल पर डालने की बजाय आपको आज ही उस पर काम करने की आवश्यकता है। अपने कामों को स्थगित करने से बचें, क्योंकि यह बाद में आपको समस्याओं में फंसा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके माध्यम से आप नई कौशल और अनुभव प्राप्त करेंगे।
परिवार में अगर किसी को आपकी कोई बात बुरी लगती है तो आपको उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अपने विचारों को समझाने की कोशिश करें और समझाएं कि आपका उद्देश्य उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना है। पारिवारिक सदस्यों के बीच झगड़ों या आपसी विवादों को समझें और उन्हें समाधान करने का प्रयास करें। साथ ही एक नए वाहन को लेकर घर लाने की योजना बना सकते हैं जो आपके जीवन में नई सुविधाएं और संभावनाएं लाएगा। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर 16 पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाना। इस उपाय का महत्व है क्योंकि पीपल के पत्ते पर राम राम लिखने से उस पत्ते में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये प्राचीन धार्मिक प्रथा है जिसमें हनुमान जी की शक्ति से युक्त पीपल के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। 16 पत्तों की माला का पहनाना हनुमान जी को समर्पित किया जाता है जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी को ध्यान में लेते समय उनके शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से अन्याय से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। इसके बाद शाम में राम जी को प्रसन्न करने के लिए एक कटोरी में गंगाजल या पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्री ह्री क्लीम रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस जल को घर के सभी कोने में छिड़क दें। इससे घर का वास्तु दोष भूत प्रेत तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को ऑफिस दुकान आदि में किया जा सकता है। यह उपाय मीन राशि के जातकों को मानसिक स्थिति में स्थिरता शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करने से जीवन में समृद्धि सुख और समाधान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह उपाय मीन राशि के लोगों को अपनी चिंताओं से दूर रखने और प्रसन्नता का अनुभव करने में सहायक हो सकता है। यह उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। भगवान राम और भगवान हनुमान की आशीर्वाद मिलेगा आपको।